सोशलिज्म की जो अवधारणा भारत में पालन की जाती है वो गांधी जी की देन है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में दिया। विश्वकुल लेबर डिग्निटी की जो विचारधारा है ये गांधी जी की देन है। आज के समय यदि गांधी जी होते तो वो ये ना कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। आज के समय वो ये कहते बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, बुरा मत रिपोस्ट करो। आप सभी श्रोतागणों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। हिरण्याकश्यप के अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी शासन प्रशासन प्रणाली को रसातल में पहुंचाकर प्रहलाद ने अहिंसा के मार्ग का जिस प्रकार से सतयुग में पालन किया था, उसी पथ का अनुसरण करके गांधी जी ने आज कलयुग में चरितार्थ करके दिखाया कैसे अहिंसा के द्वारा हम अपने विश्व पटल पे टेरिनिसी शासन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वेदों में कहा है सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न च सत्यम प्रियम ब्रुयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक सत्य के जो प्रति लिखी है उसमें भी उन्होंने यही बात करी है। मैं आप सबको ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विश्व को श्रमिक सम्मान, विश्व को लेबर डिग्निटी की जो विचारधारा है ये गांधी जी की देन है। गांधी जी हम लोगों के जैसे पहले सड़क पर जाकर चार पत्ते गिराकर, चार झाड़ू लगाकर डालकर, चार लोगों के साथ मिलकर, चार कैमरों के सामने फ़ोटो नहीं खिंचाते थे। गांधी जी श्रमिक सम्मान के लिए खुद उतरते थे और वहाँ पर अपेक्षा नहीं करते थे। आज के समय यदि गांधी जी होते तो वो ये ना कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। आज के समय वो ये कहते बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, बुरा मत रिपोस्ट करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल राइट मूवमेंट्स के जो प्रतिनिधि थे, मार्टिन लूथर किंग हो या नेल्सन मंडेला जैसे महान दिग्गज हो, वे सभी गांधी जी के ही इन विचारों से प्रभावित हुए थे। और सोशलिज्म की जो अवधारणा भारत में पालन की जाती है वो गांधी जी की देन है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में दिया। हम लोग आत्मनिर्भर तो कर रहे हैं लेकिन सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो कि गांधी जी ने तभी हमें बता दिया था। हाँ, गांधी जी के बारे में हम कितना भी कहे कम है लेकिन ईशावास्योपनिषद की ये श्रुति उन्हें बड़ी प्रिय थी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य सिद्धनम्। केवल उतना ही भोग करो जितना सह सको, बाकी का जितना भी भोगा भोग प्राप्त किए हैं उन सबको निकालो और संसार में बांट दो। हमारे ये विचारधारा दी है गांधी जी ने, जिसका आज संपूर्ण विश्व पर प्रभाव है और यही गांधी जी की वैश्विक प्रभाव का प्रतिनिधित्व है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ये अपने लिखी दो पंक्तियाँ कह के। हे प्रज्वलित प्रतीक, तुम विभा के नव जागृति निर्माता, इस महादेश के महाप्राण, नवयुग नव सृष्टि विधाता। टूट गए सदियों के बंधन जब तुम देव पधारे, शीतल हुए तुम्हें छूकर अभिशापों के अंगारे। किसका मस्तक नहीं तुम्हारे चरणों पर नत होता, किसका गौरव नहीं तुम्हारी चरण धूल में सोता। सदियों में जलती है महाक्रांति की ऐसी अग्रज ज्वाला, सदियों में पूरी होती है बलिदानों की माला। सदियों में आते हैं तुमसे नीलकंठ वरदानी। हे गांधी, जब इंगित पर चले तुम्हारे विजय लुब्ध जनगण मन, पग चिन्हों पर चढ़े शुद्ध देश का यौवन। धन्यवाद।